नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पे एक नज़र। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में एक महिला ने थाना में आवेदन दे 7 लोगों को बनाया आरोपी। आवेदन में घर में आग लगाने की कही गई है बात। अरेराज बेतिया मेन रोड में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से चचा की मौत, भतीजा हुआ घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुगौली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक शशि भूषण सिंह का रामगढ़वा में हुआ नागरिक अभिनंदन, समर्थकों का रहा हुजूम। मोतिहारी पुलिस ने गश्ती के दौरान बीती रात शराब के नशे में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। और पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। पहला मैच अकबरनगर बेतिया और मझौलिया के बीच खेला गया। मोतिहारी पुलिस ने रात गश्ती के दौरान ढाका रोड स्थित छतौनी से शराब के नशे में हंगामा कर रहे 4 शराबियों को धर दबोचा है। शराबियों के पास से पुलिस ने एक VIP वाहन भी जब्त किया है। इस संबंध में छतौनी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र ने बताया कि पकड़े गए शराबियों में ढाका थाना के पचपकड़ी निवासी राहुल कुमार, चंदन कुमार, सुनील कुमार और विकास कुमार शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की अल्कोहल जांच भी कराई, जिसमें 100% अल्कोहल पाया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शराबियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है। अगली खबर सुगौली से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के रामगढ़वा में नवनिर्वाचित विधायक शशि भूषण सिंह का स्थानीय विवाह भवन में नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की कमियों को बताया और कमी को पूरा करने की बात कही। वहीं इस दौरान विधायक शशि भूषण सिंह ने कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक खर्रा उतरूंगा, जो मैं कहा हूँ उसे पूरा करके रहूंगा। कि आप लोगों ने जो ईमानदारी से मेहनत किया उसका फल मुझे मिला मुझे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज बेतिया मेन रोड में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान अरेराज हरदिया वार्ड नंबर 5 निवासी अजय पांडे के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने भतीजा के साथ रधिया अपने बहन के यहाँ से छठ पूजा की मिठाई देकर शाम अपने घर हरदिया साइकिल से लौट रहा था, तभी यह घटना घटी, जिसे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि भतीजा घायल अवस्था में पड़ा था। सूचना पर अरेराज OP पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से एक खबर है, थाना क्षेत्र के गुरचुरुआ गांव निवासी बिंदेश्वरी प्रसाद कुशवाहा की पत्नी बबीता देवी ने थाना में एक आवेदन देकर 7 लोगों को आरोपी बनाया है। आवेदन में कहा गया है कि सभी 7 आरोपियों ने मिलकर उसके घर में आग लगा दिए थे। हो हल्ला के बाद ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। आरोप है कि वर्ष 2018 में होली के दिन भी आरोपियों ने महिला के परिवार के साथ मारपीट किया था। जून 2019 में भी आरोपियों द्वारा महोगनी के 60 पौधों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसमें आम के 4 पौधों को उन आरोपियों द्वारा कुल्हाड़ी से काट दिए गए थे। आवेदिका का कहना है कि फ़ोन पर गाली गलौज, गाड़ी की चोरी कराने तथा जान से मारने की धमकी दी जाती है। वहीं महिला द्वारा आवेदन में जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब अंत में बात खेल जगत की। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित अमर ज्योति क्रिकेट क्लब मझौलिया के सौजन्य से 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कलीमुल्लाह और उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह तथा गुड्डू चौबे द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कलीमुल्लाह ने कहा कि खेल सामाजिक सौहार्द को बढ़ाता है और शांति और एकता का परिचायक होता है। प्रखंड उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह ने कहा कि खेल में हार जीत तो होती ही रहती है, खिलाड़ी को जीतने पर घमंड नहीं करनी चाहिए तथा हारने पर निराशा भी नहीं होना चाहिए। वहीं पहला मैच अकबरनगर बेतिया और मझौलिया के सतबिड़वा की टीम के बीच खेला गया। टॉस जीतकर अकबरनगर बेतिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 15 ओवर में 119 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान में उतरी सतबिड़वा की टीम ने 99 रन पर धराशायी हो गई और उसे हार का सामना करना पड़ा।
वहीं खेले गए इस रोमांचक मैच में मैन ऑफ द मैच आमिर रहे, जिन्होंने 22 रन देकर 4 विकेट लिया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।